हेलो गाइस, वेलकम टू केस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें प्लीज़। आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। यस, पहले अपन क्या करेंगे, अपन लाप्लास इक्वेशन बारे में अपन पहले स्टडी करेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग दो फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, एक एक अपना होता है स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला और दूसरा अपना होता है डायगनल 5 पॉइंट फार्मूला। इसको अपन जो है थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर जो है, मान लो आपको इस टाइप कुछ दिया हुआ है, ओके, कुछ इस टाइप को दिया हुआ है, ठीक है, ओके। ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मैश पॉइंट बोलते हैं, ओके। और ये जो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, मैश इंटरवल, ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है, मान लो ये जो है, ये जो एलिमेंट आपका है, दैट इज लेट सपोज यू आई कॉमा जे, ओके। आई मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग का है, ओके। ये अपने क्या आई होगा और ये अपने क्या होगा, जे होगा, ठीक है। तो अगर ये आई यू आई कॉमा जे है तो ये सोचो थोड़ा क्या हो सकता है, ये अपना आई प्लस वन कॉमा जे, ओके। यहाँ पे अपन जो इंटरवल है वो अपन क्या मान लो, उसको वन मान रहे हैं, ठीक है। जो मैश का जो इंटरवल दिया दैट इज वन। वैसे देखो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना कहलाएगा यू आई माइनस वन कॉमा जे। वैसे अगर मैं ऊपर आऊँगा तो ये अपना क्या होगा, देखो यू आई कॉमा जे प्लस वन, और ये नीचे बताओ अपना क्या हो जाएगा, यू आई कॉमा जे माइनस वन, ओके। तो ठीक है, तो स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला देखो अपना क्या होता है, यू आई कॉमा जे इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स। देखो मुझे अगर ये चीज निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इसको 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 और इसको सबको आपस में ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 4 करेंगे, ओके। तो यही अपन यहाँ पे लिखने वाला, दैट इज यू आई माइनस वन कॉमा जे, दैट इज ये वाला, ओके। फिर प्लस यू आई प्लस वन कॉमा जे, दैट इज ये वाला पार्ट, ओके। फिर प्लस यू आई कॉमा जे प्लस वन, कौन सा बताओ, ये ऊपर वाला पार्ट, ओके। फिर प्लस यू आई कॉमा जे माइनस वन, ओके, कौन सा बताओ, ये नीचे वाला पार्ट, ओके। सबको अपन ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो क्या होगा, ये बीच वाली वैल्यू होगी, ओके। ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो वही अपन देखेंगे अब डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला को अपन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन वैसे कुछ अपन फॉर्म कर लेते हैं पहले, जिस तरह से अपन इसको ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे तीन वर्टिकल लाइंस को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर इसको अपन अच्छे समझेंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अपना क्या है, ये अपना है यू आई कॉमा जे, ओके ओके। अब डायगनल्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे एलिमेंट्स हो, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ का जो एलिमेंट है मान लो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आएगा तो एक्स पीछे हो जाएगा और वाई मतलब आई में नेगेटिव वन हो जाएगा और जे में क्या होगा, पॉजिटिव वन हो जाएगा, क्योंकि आई क्या है, हॉरिजॉन्टल का लेंथ, मतलब देखो यहाँ पे जो आई है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल को शो कर रहा है और जो जे है वो अपने क्या, वर्टिकल को शो कर रहा है। तो सिंस अपन यहाँ पे आ रहे हैं तो देखो आई के रेस्पेक्ट में पीछे आए हैं और जे के रेस्पेक्ट में अपन ऊपर आए हैं, तो यहाँ पे अपने क्या भैया, ये यू आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वन। वैसे जब यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे क्या है, आई के रेस्पेक्ट में वन इंक्रीमेंट और जे के रेस्पेक्ट में वन इंक्रीमेंट है, तो ये अपना हो जाएगा आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन। यहाँ पे जब आएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स में आई में एक इंक्रीमेंट होगा लेकिन जे में एक डिक्रीमेंट होगा, तो इसको ऊपर लिखेंगे यू आई प्लस वन कॉमा जे माइनस वन। और यहाँ पे जब आएंगे तो एक्स में भी डिक्रीमेंट है, वाई में भी डिक्रीमेंट है, तो इसको लिखेंगे अपन यू आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन, ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे यू आई कॉमा जे, तो ये अपना क्या होगा, 1/4 टाइम्स, क्या देखो यहाँ पे चारों डायगोनल एलिमेंट्स को अपन ऐड करेंगे, दैट इज यू आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वन, ठीक है, दैट इज दिस एलिमेंट। फिर प्लस यू आई प्लस वन कॉमा जे माइनस वन, दैट इज दिस एलिमेंट। फिर प्लस यू आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन, दैट इज दिस एलिमेंट। उसके बाद फिर ये अपना जे है ना, ये अपना कॉमा होगा, ओके, यहाँ पे जे प्लस वन है, ओके, ठीक है। यू
आई प्लस वन कॉमा जे माइनस वन, दैट इज दिस एलिमेंट। अपन क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय फोर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाले एलिमेंट का मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में दोनों फॉर्मूले को अच्छे से समझा पाया हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।